बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं एक गवार की सब्जी बना रही हूँ, वो भी कोथनी स्टाइल में। यहाँ पे मैंने पतीले में दो प्याज नॉर्मल साइज के ली हूँ, इसमें दो चम्मच भर के तेल ली हूँ और तीन चार मैंने हरी मिर्च डाली हूँ। मैं हरी मिर्च अच्छी डालती हूँ क्योंकि खाते टाइम बच्चे तीखा नहीं खाते, खाते टाइम मुँह में ना जाए। यहाँ पे थोड़ा सा चुटकी भर मैंने साबित धनिया ली हूँ, साबित ज़ीरा और साबित सौंफ ली हूँ, एक चुटकी चुटकी पर ली हूँ, इसे भी मैं डालूँगी। यहाँ पे गवारे कटी हुई पाव किलो, एक बड़ी साइज का टमाटर है कटा हुआ, हल्दी है और ये तिलकुट है जो गाँव में बनता है, इसमें लाल मिर्च है और काले तिल है लंबे वाले और ठेचा हुआ लहसुन है, नमक है, इसे मैं सब पकने के बाद में डालूंगी। सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ट्रांसफर होने तक से पकाना है। गैस को मैं हाई फ्लेम पे रखती हूँ। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, बस हमें इतना ही फ्राई करना है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, हाफ टी स्पून हल्दी, डालूंगी गवार, जायके के हिसाब से डालूंगी नमक, थोड़ा सा डालूंगी पानी, अब इसे लो फ्लेम पे पकाने रखूंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं हमारे गवार की सब्जी हुई कि नहीं। हमारी गवार की सब्जी पक चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे तिलकुट। ये तिलकुट में जो तिल रहते हैं वो भी भुने हुए रहते हैं और लाल मिर्ची रहती है वो भी भुनी हुई रहती है, इसलिए इसे बाद में डालेंगे तो भी चलता है। इसमें मैं पाव किलो में एक टीस्पून भर के ली हूँ। इसे हम मिक्स करते हैं। गैस को करते हैं हम ऑफ और सर्व करते हैं।
गवार की सब्जी बनके तैयार, तिल कुड़ी सब्जी बनके तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।